गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3D का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 कराने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर देख लेना। क्वेश्चन है आपके पास x-3y=3 और 3x-9y=2। देखो, ये समीकरण एक हो गया आपका, ये समीकरण दो हो गया। अब बच्चों, व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। हमें इस समीकरण को व्यापक समीकरण के रूप में रखना है, मतलब ये इक्वल के नंबर, देखो ये a की वैल्यू हो गई, ये आपकी मतलब ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई और ये आपकी c की वैल्यू हो गई। तो देखो, a b c c आपका इक्वल के इधर है ना, तो हमें इसको इक्वल के इधर करना है। जब हमने इस नंबर को इक्वल के इधर कर लिया तो आपके पास कितना नंबर हो गया, यहाँ हो गया आपके पास, देखो ये इक्वल के इधर हो गया। ये समीकरण एक था और ये समीकरण दो, इसमें भी दो जो ये प्लस के इक्वल के इधर था उसको हम लोग इक्वल के इधर ले आए। अब इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल लो। देखो, a1 की वैल्यू यहाँ पर देखो, x के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब a1 की वैल्यू हो गई 1 आपकी। देखो यहाँ पर, अब a2 की वैल्यू x के साथ कितना है 3, तो a2 की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पर देखो, b1 की वैल्यू है आपके पास -3 और b2 की वैल्यू है -9। देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 1 3 3 9 हो गया। यहाँ पर देखो, c1/c2 की वैल्यू देखो, यहाँ -3 और -2। आप देखो कि देखो, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तब भी इसका नंबर कितना हो जाएगा, 3/2 होगा बच्चों। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 आपका बराबर है 1/3 और 1/3। आपको बच्चों ये मैं बता दूँ कि जब a1/a2 और b1/b2 देखो ये दोनों आपके बराबर है ना, ये जब बराबर होते हैं, देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं बच्चों। जब ऐसा होता है तो मैं आपको देखो एक फॉर्मूला दिखा रही हूँ। ये देखो फॉर्मूला, आप देखो ये आपका फॉर्मूला है। पहले आप ये फॉर्मूला समझ लो कि रेखाएं कैसे बनती हैं। देखो, a1/a2 अगर बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो मतलब इसका एक अद्वितीय हल होता है। और यहाँ पर देखो दूसरा, और क्या होता है, रेखाएं देखो कैसे बनती हैं। ये देखो, रेखाएं ऐसे बनेंगी, यानी ये ग्राफ है, ग्राफ पर देखो रेखा बन रही है। इस जगह पर यहाँ पर ये नीचे वाली x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा देखो, अगर ये आपका नगीन प्रकाशन के पेज नंबर बच्चों 100 और 101 पर दिया हुआ है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा देखो c1/c2 के। आप देखो, इसमें ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी, रेल की पटरी की तरह होंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। इसका मतलब होगा कि रेखाएं देखो, ये जो रेखा बन रही है इसी के ऊपर बन रही है, जो भी नंबर आएंगे आपके वो एक बराबर आएंगे, और इसका मतलब होता है कि इसका अनेक हल है। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो क्या हुआ, आप देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, मतलब इसका कोई भी हल नहीं है। तो आपने देखो क्या लिख दिया कि अर्थात इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तभी आपको हल करना है। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न क्रमांक संख्या 6, x-2y = 8 और दूसरा है आपके पास 5x-10y = देखो 10। इसी हमें व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में रखना है, तो जो इक्वल के इधर प्लस का नंबर है उसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, नंबर माइनस का हो गया। वैल्यू निकाल लो, a1/a2 देखो यहाँ पर, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर देखो b1/b2 -2, यहाँ -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 5। फिर आप देखो यहाँ पर 1/5 और 1/5, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर हो गए ना। जब a1/a2 b1/b2 बराबर होता है तो आप ये देखो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो इसका कोई हल नहीं है। और रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं इसकी समानांतर होंगी, अर्थात इसका कोई हल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है अगर अद्वितीय हल हो तभी आपको हल करना है। आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होगा। अभी मैंने आपको बताया ऊपर के क्वेश्चन में अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल तब होता है
जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के और रेखाएं, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपके पास क्या है, kx + 2y = 5 और यहाँ पर दूसरा है आपके पास 3x + y = 1। वही व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में इक्वल के इधर वाले नंबर को इधर ले आओ, यानी ये नंबर हो गया -5, इधर हो गया -1। a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखो यहाँ पर, ये कितनी है, x के साथ इसकी a1 की वैल्यू है k और a2 की वैल्यू यहाँ देखो 3 है। यहाँ पर देखो आपके पास a2 की b1 की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पर देखो b2 की वैल्यू कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबर 1 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, तीसरे से आपको कोई मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है और k आपका a1 अपॉन a2 में ही मिल गया। तो आपको आपको ये मालूम है a1 अपॉन a2 और बराबर नहीं होंगे b1 अपॉन b2 के, जब बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब कोई एक अद्वितीय हल होगा। तो आपने देखो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करा, k/3 आपका a में देखो a1 अपॉन a2 के साथ क्या था, k/3 बराबर नहीं है किसके, दूसरा नंबर लिख दो, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, ये छोटा नंबर था मैंने लिख दिया देखो 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, k1 k, यहाँ हमने k लिख दिया और ये वाला नंबर देखो इधर चला गया, तो 3 × 2 = 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, k बराबर नहीं है 6 के, मतलब इसका इसके अलावा और कोई भी हल हो सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रही हूँ मैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, इसी प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, है 2x - 3y = 1 और दूसरा है आपके पास देखो kx + 5y = 7। इसमें भी आपको k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले व्यापक वर्ग समीकरण में के रूप में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को इक्वल के इधर ले आओ माइनस का हो गया, 7 इक्वल के इधर ले आओ माइनस का हो गया। व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया, आप देख लो a1 upon a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। वैल्यू निकाल लो, वैल्यू आपकी कितनी आई, a1 की वैल्यू आई आपके पास देखो, a1 की वैल्यू आई 2 और a2 की वैल्यू यहाँ आई देखो x, यानी x के साथ कितना है k। b1 की वैल्यू कितनी आई = देखो b1, यहाँ पर देखो b1 -3 और b2 की वैल्यू आई -5। आप देखो इसमें हमें k का मान निकालना है, आप इसमें दोनों देखो दोनों बराबर नहीं है ना, तो लिख दो सबसे पहले कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के और इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कोई एक हल होगा। लिख दिया हमने कितना, 2/k बराबर नहीं है -3/5। k को कैसे लिखोगे, k बाहर कर दिया, यहाँ पर देखो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या हो गया, k नीचे चला गया। अगर आप इसको देखो तो k से इसको मल्टीप्लाई करा, यानी आपके पास कितना हो जाएगा -3 और यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो नीचे चला आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं देखो लिख के दिखा दे रही हूँ, आप फिर से देख लो, जैसे यहाँ देखो आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो k को आपने मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, -3 हो गया और इधर कितना हो गया 5 × 2 = 10। देखो k इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा k = यहाँ देखो 10 - 3 है ना, तो यही आपके पास है 10 - 3 और माइनस का साइन नीचे होता है, तो माइनस के साइन को हम दोनों के लिए मानते हैं, यानी k बराबर नहीं है किसके, -10/3 के। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कितना है, 2x - 3y - 5। इसमें व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में पहले ही लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है आपका इक्वल के इधर माइनस का नंबर है, इक्वल के इधर कोई नंबर नहीं है, 0 है। kx - 6y - 8 = 0। इसमें भी देखो आप a1 की वैल्यू हमारी कितनी है 2, a2 की वैल्यू है k, यहाँ पर देखो b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू है आपके पास -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 हो गया। अब ये दोनों नंबर बराबर नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप लिख दो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के और इसका अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले देखो k का मान किस में है, k का मान a1/a2 में है, उसको लिख दो कितना है 2/k और दोनों में से कोई भी नंबर लिख दो, मैंने b वाला लिखा है, 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k1 देखो k और 2 × 2 = 4, यानी k का मान किसका हो गया, और यहाँ देखो ये बराबर नहीं था वही हमने यहाँ लिख दिया, बराबर नहीं है k बराबर नहीं है 4 के। बच्चों इसी के साथ मेरे ये क्वेश्चन पूरे हुए, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको आगे की वीडियो में देती रहूँगी। मेरे वीडियो को बच्चों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बच्चों सब्सक्राइब कर दो, जैसे
मुझे और प्रोत्साहन मिले कि मैं आपको और वीडियो आगे के डाल देती रहूं। बच्चों, बाय बच्चों।